नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। HDFC AMC के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों, और जिस तरह से हम AMC के रिकॉर्ड देख रहे हैं रिजल्ट पिछले दो तीन दिनों से, आप चाहे UTI देख लें चाहे आदित्य बिरला देख लें, बहुत बुरे रिजल्ट आ रहे हैं। और HDFC AMC से मुझे कोई बहुत उम्मीदें नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह बाकी के रिजल्ट खराब आए, ये भी शायद खराब आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीधा लेके चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए ये देखने की कोई डिविडेंड तो मिला है। देखो देखिए, फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द सेड मीटिंग हैज रिकमेंडेड ऑफ अ डिविडेंड ऑफ ₹42 पर इक्विटी शेयर। ठीक है, ₹42 पर इक्विटी शेयर। ठीक है, यानी कि भैया ₹42 मिलने वाला है आपको पर इक्विटी शेयर। ठीक है, और ये कब तक मिल जाएगा भाई आपको रिजल्ट अगर लेना होगा? ये अप्रूवल शेयर होल्डर एट द एंसुइंग द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, और ये कब हो रही है? वेनसडे 29 जून को। यानी जो वेनसडे 29 जून है दोस्तों, ये 29 जून को जनरल मीटिंग हो रही है, उस समय तय किया जाएगा कि आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अब देखिए, हम अगर देखें आपको कि भैया रिजल्ट कैसा है, क्योंकि मेन फोकस मेरा इस बार सिर्फ रिजल्ट पे रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ और हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आए हैं। तो ये देखिए, रिजल्ट ये रहे और मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, देखिए ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करोड़ में ये दिया हुआ है, 516.28 करोड़ रुपीस, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 549 करोड़ था। और अदर इनकम देखेंगे 64.65 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ था। हाँ, ईयर ऑन ईयर भी आपको जम दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक बड़ा डेंट है दोस्तों। ठीक है, और टोटल इनकम देखिए 580.93 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले क्वार्टर में 635.88 थी। यानी कि इसके भी रिजल्ट दोस्तों खराब आए हैं, जिस तरह बाकी AMCs के खराब आए हैं। ठीक है, और इसीलिए आप देखिए प्राइस लगातार गिरावट की ओर दिखा रहा था। और अगर हम एक्सपेंसेस देखें, फाइनेंस कॉस्ट 2.05 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 2.15 करोड़ थी। ठीक है, आप देखिए फीस एंड कमीशन के एक्सपेंसेस खर्चे 1.51 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1.626 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 71.43 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 77.47 करोड़ थी। ठीक है, और अदर एक्सपेंस में अगर नजर डालें हम 49.88 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 56.1 करोड़ थी। यानी कि खर्चे आप कह सकते हैं कि मोर ऑर लेस फ्लैट रहे हैं, लेकिन दोस्तों रेवेन्यू भी कम हुआ है। तो टोटल आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस 138.28 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 150.73 करोड़ थी। और पिछले साल अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे, तो पिछले साल 122.56 करोड़ थी। ठीक है, यानी कि आप देखिए चीज़ें दिख रही हैं कि जो इनकम है उसमें बड़ी कटौती हुई है दोस्तों। ठीक है, और हम अगर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखेंगे, आप देखिए 344.55 करोड़ रुपीस आई है, जो पिछले क्वार्टर में देखेंगे 360.36 करोड़ थी। यानी कि EPS में भी गिरावट आई होगी, जो आई है दोस्तों 16.688 रुपीस से ये घट के हो गई है 16.12 रुपए। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप फिलिंग क्वार्टर क्वार्टर में गिरावट हुई है। और देखिए, यानी कि मुझे लग रहा है इट्स अ बैड रिजल्ट, लेकिन देखिए गिरावट शेयर में ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। AMC का वहां से ज्यादा गिरना मुझे उतना सही लगता नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि HDFC AMC बाकी की AMC के हिसाब से काफी ज्यादा, कह लीजिए रिजल्ट मोर लेस सेम ही आए, और इस चीज को बाजार को पता था। इसे ऑलरेडी शेयर स्टॉक में आप देख रहे होंगे गिरावट दिखा चुकी गई है, और 42 रुपीज का डिविडेंड भी दिया गया है। रिजल्ट कैसा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक करके बताइएगा, लाइक ज्यादा होगी समझ जाऊंगा अच्छा लगा है। चैनल पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।